एलेक्ट्रो कार्ट्री हमारे पास आ, टू टाइप्स की होती है एक मानो पोलर है जो इस डायग्राम में नजर आ रही है ठीक है इसके देखें आ, दो वो है ठीक है एक कट है ठीक है ये येलो जो है ये कट है और ये जो ब्लू है जो है ये क्वेग है यानी कि आप इससे इंसिजन भी दे सकते हैं ठीक है ना इस, इस, इस बटन को आप जब दबाएंगे तो आपने कट जब जहां है इंसिजन ब्लेड के तौर पे जो यूज करते हैं ठीक है ये वो है और आपने वेसल को जो क्वैक करना होगा यानी क्वाकुलेशन करनी है ब्लीडिंग को स्टॉप करना है फिर आपने इस बटन को दबाना होगा ठीक है ये मानो पोलर इलेक्ट्रोकार्टी है ये हमारे पास बाईपोलर इलेक्ट्रोकार्ट्री जो है ना वो फोरसेप है इसके टू बीक्स आप देख सकते हैं ठीक है इससे आप वेसल को होल्ड करते हैं ठीक है थीके? और हीट जनरेट होती है इन दो टिप्स में और क्वाकुलेशन होती है ठीक है ना ये बाईपोलर है इसमें और उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तो ये है कि उसमें आपने देखा कि सिर्फ एक ही है यानी हैोलर है और इसमें जो है वो बाइपोलर है ठीक है और इसमें यहाँ पे आप जब लगाते हैं ना तो ये इसको क्वेग और कट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं जबकि इसमें जो कट है ना जो इंसिजन देना होता है वो इसे डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसके दो टू पीक्स है ना दो दो एंड्स हैं ठीक है दो, दो लेकिन जो क्वेग के लिए जो है ना ये बेस्ट है ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये तो एक्स्ट्रा एरिया को भी बर्न करेगा जबकि इससे आप वेसल को होल्ड कर लोगे तो ये आपका वही वाला एरिया बर्न करेगा यानी वही वेसल को तो एडजस्टिंग जो सराउंडिंग एरिया है उसमें बर्निंग जो है इसमें मिनिमाइज हो जाती है ठीक है इसका ये एडवांटेज है लेकिन कट के लिहाज से वो क्या है मोनोपोलर कार्ट्री जो है वो आप यूज कर सकते हैं ये देखें ये इसका डिवाइस है कंप्लीट बाईपोलर का ठीक है ये इसका वो है और ये सारा इसका कंप्लीट डिवाइस है कि आपने कैसे उसको करना है अब यहां इसको समझना जरूरी है मोनोपोलर में देखें आपने पेशेंट को ग्राउंड करना होता है ग्राउंड का मतलब यह है कि आपने ये जो प्लेट है एक ठीक है मेटल की प्लेट क्योंकि मोनोपोलर में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पूरी बॉडी में से गुजरेगा तो ये कहां आपने रखना होगा इट शुड बी अराउंड द थाइस ठीक है थाई के एरिया में या काफ मसल वाला जो लोअर लेम का जो एरिया है उधर आपने रखना है इस प्लेट को आपने बोनी प्रोमिनेंस के एरिया में नहीं रखना और ये जो साइड पे आपको शार्प एंड से इसके नजर आ रहे हैं ठीक है ये भी यानी इसी तरह हो पड़ी हो जैसे स्ट्रेट पड़ी हो लेकिन आपने इनको इसको अब्लिक या टेढ़ा नहीं रखना वरना ये जो चीजें बोनी प्रमिनेंस के साथ टच होगा या उसके तो उसमें बर्न कर सकता है ठीक है इस प्लेट का भी आपने ख्याल रखना होगा आपका ओ या ट्रेन असिस्टेंट जो है उसको प्रॉपर रखे तो ये देखें मानो में जो कि उसका एक ही एंड होता है तो इसमें करंट जो है वो पूरी बॉडी में से गुजरेगा ऐसे ठीक है पूरी बॉडी में से ऐसे गुजर के जाएगा जबकि मोनोपोलर सॉरी बाईपोलर में बाईपोलर में जो है वो करंट पूरी बॉडी से नहीं नहीं गुजरता आपको स्प्लिट की जरूरत नहीं होती ग्राउंड करने की जरूरत नहीं होती तो यहां से क्या होता है कि करंट जब यहां से आता है आपको नजर आ रहा है जो ही इसमें जाता है तो इसी टिश्यू वाले एरिया में से गुजर के उसकी एक बीक से गुजर के दूसरी बीक में वापस चला जाता है ठीक है तो इसी टिश्यू वाले एरिया में ही सर्कुलेट करता है ये इसका एडवांटेज होता है बाईपोलर का पहले बता चुके हैं कि इसका लिमिटेड बर्न होता है ठीक है यहां देखें इसमें मानोपोलर है ठीक है मानोपोलर यूज हो रही है ये ब्लेड रखी गई है ठीक है थाई वाले एरिया पे रखी गई है आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरी बॉडी में से ऐसे गुजर के पास हो रहा है ठीक है ना यहाँ पे देखें बाई मानोपोलर जो है उसे वो एरिया को जो है क्या है कर रहे हैं क्वेक कर रहे हैं या ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं ठीक अब ये देखें आपको ये बाईपोलर है और ये मानोपोलर है मानोपोलर में बर्निंग एरिया दिखा रहा है कि ज्यादा एडजस्टिड एरिया को बर्न करता है जबकि बाईपोलर में जो है लिमिटेड एरिया जो है वो बर्निंग होती है ये इसका एडवांटेज है बाईपोलर का ठीक है। थर्मल थर्मलेशन में हम हीट uh, को यूज करते हैं टू द स्टॉप्रिकल करेंट द सर्जन बीडिंग वेसल बाई होल्डिंग द अ मेटल इंस्ट्रूमेंट सच इज इनोस्टेट आर बाई द वेसल डायरेक्टली विद एन इलेक्ट्रोकाटरी टेप इसको जो है इस uh, पिक्चर से जो अच्छी नहीं है बारा, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं ये देखिए हमारा है है ठीक ये वेसल को हमने क्या किया होल्ड किया हुआ है ये जो है ना वो क्या है आ, है उसकी टिप है ठीक है ना तो एक मेथड तो ये है कि आपने ये जो इलेक्ट्रोकारटरी की टिप है इससे डायरेक्टली वेसल्स को होल्ड कर सकते हैं ठीक है और फिर क्या होगा उसको क्वेक कर सकते हैं यानी उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रिक करंट दूसरा ये है कि आप इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है कि हमने यहां पे जो है किस चीज से इसको पकड़ा हुआ है हीमोस्टेट से इस वेसल को पकड़ा हुआ है एंड वी आर टचिंग दिस हीमोस्टेट विद अ विदरी टिप तो जब आप कार्टी टिप को इसके साथ टच करेंगे तो हीट विल बी जनरेटेड एट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना ये जरा इजी होता है कि आप जो है ना वेसल को होल्ड कर लेते हो प्रॉपरली तो एक्स्ट्रा साइड का जो एरिया है वो भी बर्निंग नहीं होती और जो एरिया आपने पकड़ा हुआ है वहीं पे सिर्फ जो है वो बर्निंग होगी या कोई क्वे, कोशन होगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होगी three conditions should be created uh, for proper use of thermal coagulation first is the patient must be grounded to allow the current to enter the body uh, and you will use it for unipolar as we discussed in the previous slides uh, second is that uh, the cartridge tip this cartridge tip this cartridge tip or any metal instrument this, this, this one that contacts the cartridge tip

अननेसे बर्न होगा दूसरा जो है वो क्या है कि रिमूवल ऑफ एनी ब्लड जो है वो हीट को उस वेसल तक पहुंचने से रोकता है इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से ठीक है ना उसी डायग्राम को फिर समझते हैं अब देखें यहां आपने इसको इधर इस इस, आपने इसको पकड़ लिया ठीक है आप टच कर रहे हैं इधर आपने ए, क्या करना है इसको क्वेक करना है लेकिन यहाँ फ्लूड या ब्लड है इस एरिया ठीक है जब एंड ब्लड होगा तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसने क्या करना है कि हीट जनरेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ फ्लू फ्रु, फ्लूड होगा ठीक है सो यू शुड यूज द हाई वॉल्यूम सक्शन ठीक है तक इस एरिए में जब आपने वेसल को होल्ड कर लिया है तो फ्लूड या और ब्लड वगैरह ना हो क्लीन हो सो देट द हीट कैन बी जनरेटेड एट दिस रिक्वायर्ड एंड ठीक है विदाउट एनी इंटरप्शन ठीक है क्योंकि फूड इस हीट को उस टारगेट तक पहुंचने से क्या करता है रो